सन सेट हो रहा है और बीच में सन, डबल सन। मॉर्निंग फ्रॉम उज्जैन। रात को हम पहुंच गए थे 11 बजे उज्जैन में, और इतनी गंदी रोड थी, हालत ख़राब हो गई। तो एक दो साल ये रूट अवॉइड करो जो बूंदी से उज्जैन को आता है, बहुत ही गंदा रूट है। तो सुबह 8 बजे उठ गए थे, कमर कुमर सब टूटी पड़ी है, बहुत खड्डे खड्डे थे, मतलब कि बिल्कुल उखाड़ रखी है रोड को। तो अब चलते हैं यार, सीधा करते हैं दर्शन, एक दो मंदिर हो जाएंगे जो फेमस मंदिर है यहाँ पे, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकल जाएंगे मांडव। और यहाँ पे कुंभ भी होता है हर 12 साल बाद उज्जैन में, और 2028 में कुंभ होगा उज्जैन में, और वो जो घाट है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने फूल ले लिए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, माँ कालेश्वर जो शिवजी का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। और ये हम पहुँच गए हैं महाकालेश्वर मंदिर, ये सामने है मेरे लेफ्ट हैंड पे। और भीड़ देखो यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत टाइम लगने वाला है, काफ़ी लंबी लाइन होगी मेरे हिसाब से। चलो अंदर चलते हैं फिर, और दो महाकाल के भगत जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए, जय भोले की। तो ये देख लीजिए, मंदिर का दर्शन कर लीजिए, कालेश्वर मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, ये पूरा परिसर है मंदिर परिसर, ये देख लो महाकाल का। और ये रास्ता है अंदर जाने का, और ये कुंड बना हुआ है सामने। अभी हमने यहाँ जाना है इसके अंदर, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, देखें जहाँ तक होगी फोटोग्राफी दिखाएंगे आप। कालेश्वर मंदिर के दर्शन हो गए हैं और हम आगे हैं बाहर। पीछे है हमारे नागचंद्रेश्वर मंदिर, ये पीछे आप देख पा रहे होंगे, और आप सीधे अब बाहर निकलेंगे। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है ड्यू टू कोरोना, सभी मंदिरों में कमी भीड़ है, और वैसे भी सैटरडे संडे में ज़्यादा भीड़ होती है। तो अब सीधा चलते हैं होटल में, और बीच में देखते हैं कोई अगर अच्छी लोकेशन जगह होगी तो दिखाएंगे आप। तो गाइस, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, महाराजा विक्रमादित्य मंदिर, या इसको विक्रमादित्य का टीला भी कहते हैं, जिसको सियासन 32 कहा जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो अंदर चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको सियासन महाराज विक्रमादित्य का, वो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये देखिए सामने दोनों तरफ लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ कर रखी है, और साथ में तालाब है लेकिन बिल्कुल सूखा पड़ा है, इसकी कोई केयर नहीं है भाई। ये देख लो, यहाँ पूरा पानी होना चाहिए था लेकिन खाली पड़ा है। तो चलते हैं अंदर मंदिर में, दिखाता हूँ मैं आप। और मंदिर परिसर में हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे देखिए तरह तरह की मूर्तियाँ लगाई हुई हैं, और ये सामने सिंहासन है विक्रमादित्य का, सामने आप देख पा रहे होंगे, और 32 मूर्तियाँ होंगी इसके अंदर, और 32 कहानियाँ हैं 32 मूर्तियों की, ये चारों तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ। महाकालेश्वर आएँ तो आप साथ में ज़रूर ये विक्रमादित्य का सिंहासन जरूर देखें, मंदिर है जो। तो हम पहुँच गए हैं महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन पे, ये देखिए पीछे इनकी मूर्ति बनी हुई है, और जो मेन सिंहासन है ये मेरे पीछे है बिल्कुल, यहाँ पे बैठ के वो न्याय करते थे, कोई गलत न्याय नहीं होता था इस सिंहासन पे बैठ के। और 32 मूर्तियों की स्टोरी है वो, जो हम विक्रम वेताल में पढ़ते थे सिंहासन 32 की, बहुत ही ज़बरदस्त थी, आज तक हमें पसंद है वो विक्रम और वेताल। तो ये चारों तरफ का व्यू था। तो चलते हैं अपने होटल में, या एक घाट है यहाँ पे वो देख लेते हैं, जहाँ पे कुंभ लगता है हर 12 साल में। हम आ गए हैं अब राम घाट पे, ये सामने देखिए आप जो घाट नज़र आ रहा है ये राम घाट है, और जब कुंभ मेला होता है तो यहाँ पे स्नान किया जाता है, 16 साल बाद हर 16 साल बाद यहाँ पे कुंभ होता है, और अब जो नेक्स्ट कुंभ होगा वो 2028 यानी कि 2028 को होगा, अभी 22 चल रहा है, 6 साल बाद यहाँ पे होगा। और ये देखिए पूरा घाट का दृश्य,
और पीछे मंदिर है और ये पूरा राम घाट है और ये मंदिर ही मंदिर है पीछे। आप देख रहे हैं उज्जैन का राम घाट। अभी हम रेडी हैं, ये देखिए हमारी फिर पैकिंग होगी। आज डे 3 है हमारी राइड का, हम हैं MP उज्जैन में। तो अभी हम जा रहे हैं भैरव मंदिर और यहाँ से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो बीच में कहीं हम अपना ब्रेकफास्ट भी करेंगे क्योंकि अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अमित भाई नीचे जा चुके हैं, मैं भी बिल्कुल पैक करके अब हमने चेकआउट कर लिया है हमने, तो चलते हैं अब, आपको बाइक पे मिलते हैं। तो श्री काल भैरव मंदिर का हमने मैप लगा लिया है गूगल पे और 14 मिनट दिखा रहा है, 6 किलोमीटर चलते हैं। जय शंकर की, जय भोले, जय महाकाल। ये आप देख रहे हो उज्जैन की मार्केट, और कल हम रामेश्वरम में रुके थे, ये था लेफ्ट हैंड पे ही है, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी बहुत छोटा रूम था, लेकिन ठीक है रात को सिर्फ 10-12 घंटे के लिए। और हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर, ऑलमोस्ट सामने ही है काल भैरव मंदिर, और बाइक कहाँ लगाएं ये समझ नहीं आता। तो गाइस हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर, ये मेरे बिल्कुल पीछे है और हमने प्रसाद भी ले लिया है, और अभी ये सामने जूता स्टैंड है, यहाँ पे जूता रखेंगे और फिर अंदर दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने मांडव का आज का हमारा स्टे है। तो आज का जो उज्जैन का है वो आज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि आज की जो डेस्टिनेशन में हमारी मेली जो हमने करने थे वो आज हो जाएंगे पूरे, तो इसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे मांडव में। तो चलते हैं अंदर को, ये हमारे दोनों तरफ काउंटर लगे हुए हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, ये देखिए खीरा केला टॉय बच्चों के टॉय बम्बू, ये पता नहीं क्यों बम्बू ले रहे हैं लोग। और ये है मेन एंट्री पॉइंट, तो जूता रख लेते हैं पहले यहाँ पे, जूता स्टैंड है यहाँ पे, जूता रखते हैं मेरे। और हम मंदिर परिसर में पहुँच गए हैं काल भैरव मंदिर के, और ये मैंने प्रसाद ले लिया है नंबर 1 का, और ये सामने एंट्री है मंदिर की, काफ़ी भीड़ तो नहीं है लेकिन फिर भी 10-15 मिनट लग जाएंगे हमें। और ये पीछे का व्यू देख लो सारा, पीछे जो गेट है वहाँ से एंट्री करी थी हमने, और पीछे अमित भाई, अभी दर्शन करके फिर निकलेंगे आगे, ये देख लो सामने लाइन। फाइनली हमारे दर्शन हो गए भैरव बाबा के, और सुबह महाकाल के दर्शन हुए थे, और यहाँ पे हमने जूता रखा था, ये जूता, ये भाई लोग जूते की सेवा करते हैं यहाँ पे। तो पीछे है मंदिर हमारे, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मांडव में। तो मांडव यहाँ से दिखा रहा हमें 164 किलोमीटर है, 3 आवर 22 मिनट की राइड है हमारी, कल 7 आवर की थी और थैंक गॉड कम है, लेकिन यहाँ भी हमारी आधे घंटे से तो ज़्यादा ही हो गई है राइड। चलते हैं अब, जय भोले बाबा। जय महाकालेश्वर, जय भैरव बाबा, जय भोलेनाथ, सभी के दुख दर्द दूर करो हे मेरे परमात्मा। इस समय भीड़ तो ज़्यादा है नहीं, किसी भी मंदिरों में ज़्यादा भीड़ नहीं है, 10-15 मिनट में नंबर आ जाता है। और अब कहीं जाके थोड़ा खाना पीना करेंगे। तो गाइस 2:23 हो गए हैं और हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया है हम, और अब राइड करने को तैयार हैं। ये सामने बाइक खड़ी है हमारी बहुत, और गर्मी तबाह के हो गई है, और इतनी गर्मी लग रही है पूछो मत, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वो गर्मी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से 2.25 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है हमारे को,
मांडव का, तो वहीं जाके होटल बुक करेंगे, देखते हैं और चलते हैं। अब रोड तो अच्छी लग रही है, अमित भाई आगे जा चुके हैं और मैं भी निकलता हूँ। फिर हो गई है हमारी, तो करते हैं अब अपनी राइड। अमित भाई तो निकल गए हैं, ये है वृंदावन का ढाबा, चलते हैं। 2 घंटे की राइड और, 2-2.5 घंटे की निकलते हैं। जय महाकालेश्वर। और गर्मी बहुत तेज हो गई है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है। और मैं वेंट खोल दिए हैं अपने जैकेट के सारे, ताकि हवा आराम से निकले अंदर को, शरीर को हवा भी लगनी चाहिए। लेफ्ट हैंड पे से अभी मैं टर्न करके आया हूँ, तो लेफ्ट हैंड से अगर मैं सीधा निकल जाता तो इंदौर पहुँच जाते हम। और इंदौर जस्ट 6 किलोमीटर रह गया था, तो ये कोई सिद्धकोड़ी आउटर रिंग रोड है कोई, वहाँ से हमें निकाल दिया। 7-8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और उसके बाद शायद कोई दूसरे हाईवे पे मिल जाएंगे हम। तो हम इंदौर के पास से होके निकल रहे हैं। द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर को मिला हुआ है अवार्ड ये। और ये घाट शुरू होता है यहाँ से मांडव का, हमारा प्रेम का साक्षी मांडू। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, रानी का महल और जहाज महल, कई चीज़ें फेमस हैं यहाँ पे। और ये पीछे किले की दीवार देखो, वाह, ये कोई फोर्ट है। फोर्ट के अंदर से जाएंगे हम। आलमगीर का दरवाज़ा, वेरी गुड, आलमगीर का दरवाज़ा, कमानी दरवाज़ा। मांडू को हिल स्टेशन कहा जाता है, यहाँ का एमपी का एक हिल स्टेशन है। और ये गाड़ी दरवाज़ा, गाड़ी दरवाज़ा, 3-4 दरवाजे आ चुके हैं। और मांडव 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम आ गए। ये कौन सा फोर्ट है, बस गद्दा शाह हाउस, गद्दा शाह हाउस है ये कोई। और ये जामा मस्जिद है मेरे लेफ्ट पे, राइट पे, पुराने समय की जामा मस्जिद। फोर हो गए हैं, और अभी देखने जा रहे हैं जहाज महल, यहाँ का फेमस जो पैलेस है जहाज महल, उसको देखने जा रहे हैं। और एक सनसेट पॉइंट है वहीं पे, तो ये 2 चीज़ अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। हमने चेक इन कर लिया है, उत्सव कोई होटल है वहाँ पे। तो हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले लोहानी केव। थोड़ा सा भाई ने प्रोग्राम चेंज कर दिया तो भाई साहब हम पहुँच गए हैं लोहानी दरवाज़ा, और अंदर देखते हैं लोहानी केव। और ये है हमारी बाइक, वो चलते हैं अंदर। और जो सनसेट पॉइंट है वो रहा सामने ऊपर, उसके लिए यहाँ से जाना पड़ेगा ऊपर। तो पहले लोहानी केव देख लेते हैं, और फिर सनसेट पॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद जहाज़।